नमस्कार मैं हूं आइए हैं। झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन की होगी शुरुआत कोरोना काल के बाद झारखंड में स्कूलों के दोबारा खोले जाने के साथ शत प्रतिशत बच्चों के नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से स्कूल रुआर 2022 अभियान यानी बैक टू स्कूल कैंपेन चलाया जाएगा इसके तहत बच्चों को स्कूल से वापस जोड़े जाने का अभियान चलाया जाएगा इस संबंध में मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अभियान चलाने का निर्देश दिया है इसके तहत राज्य के सभी डीसी को पत्र भेजा गया है पत्र में कहा गया है कि कोविड नाइन्टीन वैश्विक महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है महामारी के कारण काफ़ी समय तक स्कूलों को बंद रखा गया था लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद राज्य सरकार ने धीरे धीरे स्कूलों को खोलना शुरू किया जिसके बाद प्राथमिक स्कूलों को खोल दिया गया है झारखंड में तीन दिनों तक चलेगी लू येलो अलर्ट जारी झारखंड में धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तापमान में वृद्धि व लहर चलने से लोगों की परेशानी बढ़ेगी मौसम विभाग की माने तो अब लू चलेगी इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम केंद्र रांची के अनुसार 29, 30 एवं 31 -30 मार्च को राज्य के गढ़वा पलामू लातेहार चतरा समेत कई जिलों में लू चल सकती है बता दें उनतीस मार्च को गढ़वा पलामू लातेहार व चतरा के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है वहीं 30 मार्च को गढ़वा पलामू लातेहार चतरा बोकारो धनबाद सिमडेगा पूर्वी सिंह एवं पश्चिमी सिंह में लू चलने के आसार हैं है। इकतीस मार्च को भी गढ़वा पलामू लातेहार चतरा सिमडेगा सरायकेला पूर्वी सिंह एवं पश्चिमी सिंह के कुछ भागों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है शिक्षा मंत्री बेरमो में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सी के करगली गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बेरमो में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलकर बड़े भाई व पूर्व मंत्री दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है बेरमो सीओ को भी जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बेरमो के झामुमो नेता मदन मोहन अग्रवाल ने जरीडीह बाज़ार में पच्चीस एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने की बात कुछ दिन पहले की थी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन देना चाहते हैं उनकी जमीन का सत्यापन कर बेरमो सीओ जानकारी दे सरहुल पूजा को लेकर रांची में संशय बरकरार प्रकृति पर्व सरहुल और रामनवमी में जुलूस निकालने को लेकर राजधानी रांची में संशय की स्थिति बनी हुई है अब सबकी निकायें झारखंड सरकार के फैसले पर टिकी है बता दें सरहुल जुलूस निकालने को लेकर रांची के सीरम टोली स्थित केंद्रीय सरना समिति की बैठक में डी सी शामिल हुए इस मौके पर डीसी छवि रंजन ने राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही राजधानी में सरहुल का जुलूस निकाले जाने की बात कही बता दें रांची डीसी सी श्री रंजन ने कहा कि अभी जुलूस निकालना प्रतिबंधित है अगर राज्य सरकार जुलूस निकालने की अनुमति दे देती है तो सरना समिति के साथ समन्वय स्थापित कर रांची में सरहुल का जुलूस निकलेगा इसमें जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा तीन बच्चों की मां को लेकर 60 साल का बुजुर्ग फरार ग्रामीणों ने पलामू पुलिस को बनाया बंधक तीन बच्चों की मां को लेकर फरार हुआ 60 वर्षीय बुजुर्ग की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पलामू के पाटन और पड़वा पुलिस को आक्रोशित ग्रामीणों ने छः घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाए रखा इस दौरान जहां महिला की शादी उस बुजुर्ग से करने और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे आखिरकार पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने बंधक बनाए गए पुलिसकर्मियों को छोड़ा देवघर बी और बी के खिलाफ वारंट जारी कंज्यूमर फोरम ने देवघर प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के खिलाफ वारंट जारी किया है साथ ही हर जाने की रकम चालीस हजार दो सौ रुपये देने का आदेश भी दिया है कंज्यूमर फोरम ने कुलथी बीज का फलन नहीं होने के मामले में दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है वहीं देवघर के जिला कृषि पदाधिकारी ने हर की राशि और कार्रवाई संबंधी दिशा निर्देश को लेकर कृषि निदेशक को पत्र लिखा है गुमला में दो नाबालिग का अपहरण गुमला जिला अंतर्गत पालकोट थाना के अलंकेरा गांव के दो छात्र अमित कुमार साहू और मानू साहू को तीन अपराधियों ने लेवी के लिए अपहरण कर लिया था लेकिन मानू साहू ने हिम्मत दिखाई और अपराधियों के चंगुल से छूटकर भाग निकला इसके बाद मानू की निस्संदेही पर पुलिस ने अमित को जंगल के एक गुफा से बरामद किया बता दें अपहरण करने वाले अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर हैं पुलिस अधिकारियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चल रही है पुलिस ने दोनों छात्रों से पूछताछ के बाद परिजनों को सौंप दिया है इन दोनों बच्चों का उस समय अपहरण हुआ था जब ये लोग महुआ चुनने जंगल गए हुए थे दोनों छात्र कोनवीर स्कूल में पढ़ते हैं टीएसपीसी के दो नक्सलियों के शव को लातेहार पुलिस ने परिजनों को सौंपा लातेहार जिला अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के कौआखा जंगल में गत शनिवार को पुलिस और नक्सली संगठन टीएसपीसी के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए तीन नक्सलियों का पोस्टमार्टम रविवार को सदर अस्पताल में किया गया पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद तीन में से दो नक्सली जितेंद्र यादव और करमदेव सिंह का शव उनके परिजनों को सौंप दिया वहीं तीसरे नक्सली की शिनाख्त नहीं होने से उसके शव को पुलिस सुरक्षित रखी है सदर अस्पताल में दंडा अधिकारी प्रीति सिन्हा की उपस्थिति में तीन सदस्य चिकित्सकों की टीम ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया था, था। आदिवासी व्यापार मेला का भव्य समापन झारखंड में पहली बार हुई ट्राइबल व्यापार मेला का भव्य समापन रविवार को हुई आयोजन रामकुम स्थित कुटियातू अदन वाटिका में हुई तीन दिवसीय आदिवासी व्यापार मेला का आदिवासी उद्यमी आदिवासी स्टार्टअप ट्राइब कार्ट सहित आदिवासी प्रबंधन ने छात्रों ने संयुक्त रूप से की अंतिम दिन मेले में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी मेले में सौ से ज़्यादा आदिवासी उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए थे इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों पारंपरिक वेशभूषा आधुनिक कपड़े पारंपरिक व्यंजन देसी विदेशी खान पान बेकरी आचार फोटोग्राफी किताबें मौजूद थे झारखंड में कोरोना के 10 नए केस, के केस, के केस मिले हैं जबकि 8 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं झारखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या निन्यानवे है भारत में कोरोना के चौदह नए केस मिले जबकि अठारह मरीज स्वस्थ हुए हैं भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या बत्तीस है बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ आज से चलेगा अभियान झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में राजस्व संग्रह के निर्देश दिए गए हैं इसके लिए 28 से 31 मार्च तक पूरे एरिया बोर्ड में राजस्व वसूली अभियान चलाया जाएगा यह निर्देश एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पी के श्रीवास्तव ने दिया उन्होंने चौदह कनीय विद्युत अभियंता स्तर के अधिकारियों को बड़े बाकायेदारों की सूची बनाकर राजस्व वसूली व सही समय पर बकाया नहीं देने वालों के घरों की बिजली काटने को कहा साथ ही सभी डिवीजन के कार्यपालक विद्युत अभियंताओं से कहा गया है कि प्रत्येक दिन हुई कार्रवाई की सूचना जीएम कार्यालय को शाम पाँच बजे तक उपलब्ध कराए कुर्मी विकास मोर्चा की बैठक 31 को कुर्मी विकास मोर्चा रांची जिला समिति की बैठक रविवार को एक होटल में हुई अध्यक्षता मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष रामदयाल महतो ने की जबकि संचालन जिला महासचिव सोना लाल महतो ने किया निर्णय लिया गया कि 31 मार्च को पुरानी विधानसभा सभागार में मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक होगी वहीं एक अप्रैल को नामकुम में सरहुल महोत्सव व तीन को तमाड़ में प्रखंड स्तरीय कुर्मी सम्मेलन होगा केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दस जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव लाया स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की तैयार होगी वरीयता सूची राज्य के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की वरीयता सूची तैयारी होगी स्कूली शिक्षा व सक्षता विभाग का माध्यमिक शिक्षा निदेशक इसे तैयार करेंगी इसके लिए स्नातकोत्तर शिक्षकों से मदद ली जाएगी माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस काम के लिए दो शिक्षकों का निदेशालय में प्रतिनियोजन किया है रांची के राजकीयकृत मध्य विद्यालय पिररा के अनिल कुमार राय और राजकीय कृत मध्य विद्यालय पिरुटोला कांके के आनंद लाल को एक सप्ताह के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल का समर्थन किया झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में आगामी 28 एवं 29 मार्च को घोषित देशव्यापी हड़ताल का नैतिक समर्थन किया है महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदिल जहीर ने कहा कि देश के तमाम सरकारी गैर सरकारी मजदूर और मेहनत कश आवाम की कई ज्वलंत मुद्दे और मांगे हैं जिससे समूचा मजदूर वर्ग करा रहा है जहिर ने कहा कि महासंघ हमेशा सरकारी कर्मियों गैर सरकारी संविधान अनुबंध कर्मियों और आम मजदूरों की हक़ की आवाज़ एवं उनकी मांगों के लिए आवाज़ उठाता रहा है केंद्र सरकार को मेहनत कसो और सरकारी कर्मियों की समस्याओं को दूर करना चाहिए और उनकी जायज़ मांगे पूरी करनी चाहिए श्रावणी मेला और भादो मेला के लिए देवघर प्रशासन तैयार आगामी श्रावणी व भादो मेला में देवघर नगर निगम सफाई कार्य के लिए क्षेत्र को आठ जोन सब जोन और गैंग का निर्धारण कर काम करेगी जोन के अंदर कुल चौहत्तर सब जोन की व्यवस्था की गई है सब जोन के अंदर सफाई गैंग की व्यवस्था की गई है वही नगर निगम एवं कार्य एजेंसी एम एस डब्लू एम प्राइवेट द्वारा निर्धारित जोन के तहत चौबीस ट्रैक्टर एवं चालीस टीपर द्वारा कचरे के उठाव की व्यवस्था की गई है देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड के सचिव को पत्र भेजा गया है कस्तूरबा स्कूल के शिक्षकों की सैलरी बढ़ी राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और संतावन झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है परियोजना निदेशक द्वारा जिले को भेजे गए पत्र में विद्यालय के पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानकारी दी गई मानदेय बढ़ोतरी एक अप्रैल दो से ही प्रभावी होगी विद्यालयों में घंटी आधारित वैसे शिक्षक जिन्हें वर्तमान में अधिकतम ग्यारह हज़ार रुपये मानदेय भुगतान का प्रावधान है उन्हें बढ़ोतरी के बाद अधिकतम तेरह हज़ार दो सौ रुपये मानदेय दिया जाएगा झारखंड में अगले महीने छत्तीस हज़ार शिक्षकों की बहाली झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है राज्य में जल्द ही साठ हज़ार शिक्षकों की बहाली की जाएगी इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से तैयारी तेज़ कर दी गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अगले दो महीने में छत्तीस शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा साथ ही अन्य पदों के लिए भी बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी झारखंड में पंचायत चुनाव 25 अप्रैल बाद स्कूलों में होने वाली नौवीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समाप्त होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा क्योंकि स्कूल में ही मतदान केंद्र बनाए जाते हैं ऐसे में परीक्षा के दौरान चुनाव कराने के लिए स्कूल भवनों को लेना संभव नहीं होगा वहीं परीक्षा के दौरान शिक्षकों की भी ड्यूटी रहती है जबकि शिक्षकों को पंचायत चुनाव कार्य में लगाया जाता है फिलहाल 20 अप्रैल तक मैट्रिक और 25 अप्रैल तक इंटर की परीक्षा होगी इसके बाद नौवीं की परीक्षा भी होनी है हालांकि नौवीं की परीक्षा की तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हुई परीक्षा ड्यूटी में शिक्षकों के साथ डंडा अधिकारी व पुलिस बल भी तैनात किए जाते हैं ऐसे में उनकी उपलब्धता भी देखी जाएगी हेमंत सरकार पर खूब बरसे बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर साहेबगंज मनिहारी फेरी घाट जहाज़ हादसे को उठाते हुए भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र पर निशाना साधा है बाबूलाल ने इस प्रकरण में स्थानीय उपायुक्त की संदिग्ध भूमिका को उजागर करते हुए उन्हें तत्काल बर्खास्त करने और पूरे मामले की सी बी की मांग की रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में मरांडी ने राज्य सरकार को चेताते हुए कहा कि वे इस मामले की जांच करा कर रहेंगे चाहे उन्हें किसी भी स्तर तक जाना पड़े पेट्रोल डीजल की कीमत फिर से बढ़ी सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं पेट्रोल उत्पादों के मूल्य महंगाई के रेसिंग ट्रैक पर लगातार सरपट चाल से दौड़ने लगा है इसके रेट में वृद्धि लगातार जारी है रविवार 27 मार्च को राजधानी रांची में इसकी कीमतों में फिर से क्रमशः इक्यावन और अंठावन पैसे की वृद्धि हुई ऐसे में देखा जाए तो छः दिन के अंतराल में पाँचवीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला की पिटाई गढ़वा थाना क्षेत्र के जरही गांव निवासी राजेंद्र चौधरी की पत्नी पूनम देवी को डायन बताकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है मामले को लेकर भुक्तभोगी ने डंडई थाना में लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा व न्याय की गुहार लगाई है भुक्त भोगी ने आवेदन में लिखा है कि शुक्रवार की शाम लगभग पाँच बजे घर के आंगन में कुछ काम कर रहे थे इसी बीच मेरा देवर सुरेंद्र चौधरी पिता दयाली चौधरी अचानक मेरे घर आकर डाइन बताकर मारपीट पर उतारू हो गए तंबाकू मुक्त होंगे झारखंड के कॉलेज और विश्वविद्यालय युवाओं में लगातार बढ़ रही तंबाकू सेवन की लत ने चिंता बढ़ा दी है अब राज्य के सभी कॉलेजों व यूनिवर्सिटी कैंपस में तंबाकू कंट्रोल क्लब की स्थापना की जाएगी जिसमें संबंधित कॉलेज के ही एक कोऑर्डिनेटर के साथ साथ 20-20 सदस्यों को शामिल किया गया है जो तम्बाकू निषेध मुहिम को गति देंगे इस दिशा में रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार कवायद की जा रही है आयु की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त प्रयास से एन एस एस के टीम लीडर्स के लिए केंद्रीय पुस्तकालय सभागार में गत दिनों कार्यशाला का भी आयोजन किया गया झारखंड में 720 आईटीआई अनुदेशकों की बहाली राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की बहाली के लिए अगले माह के पहले सप्ताह में क्रिया शुरू होगी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने कुल 720 पदों पर नियुक्ति के अनुशंसा आयोग को भेजी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इन पदों पर नियुक्ति के लिए जून के पहले सप्ताह में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी बैंक से लोन लेने से वंचित हो रहे आम नागरिक झारखंड के 16 जिलों में जमीन का मालिकाना हक तय नहीं होने से लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग की हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लैंड ऑनरशिप का टाइटल क्लियर नहीं होने के कारण बैंकों द्वारा लोगों को होम लोन लेने में परेशानी हो रही है बड़ी वजह यह भी है कि इन जिलों का सी रेशियो भी काफ़ी कम है दरअसल झारखंड के 16 जिलों का सीडी रेशियो पिछले पाँच सालों से 40 से भी नीचे रहा है भारतीय रिजर्व बैंक को इसका कारण जानने के लिए बीते अक्टूबर नवंबर माह में एक भौतिक सर्वे कराया झारखंड के 635 प्लस टू स्कूलों में सात विषयों की होगी नियमित पढ़ाई झारखंड के 635 प्लस टू स्कूलों में नए विषयों के शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे 510 प्लस टू स्कूलों में ग्यारह विषयों के शिक्षकों के पद सृजित हैं जबकि एक नए प्लस टू स्कूलों में इतने ही शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं इसके अलावा कई ऐसे विषयों के शिक्षकों के पदों का भी सृजन होगा जो अब तक नहीं पढ़ाए जा रहे इनमें राजनीतिक शास्त्र समाज शास्त्र दर्शन शास्त्र हो मुंडारी नागपुरी संथाली कंप्यूटर साइंस समेत अन्य विषयों के शिक्षकों के पदों के सृजन की प्रक्रिया शामिल होगी इसके लिए सभी जिलों से स्कूली शिक्षा व सक्षरता विभाग ने रिपोर्ट तलब की है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का आइकन दबाइए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें थैंक यू